तो हे गाइस, अगेन एक और वीडियो में आ गए हैं आपके लिए, एक धांसू वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसा लॉन्चर जो आप अपने रेडमी के कोई से फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं, चाहे रेडमी हो, चाहे रियलमी हो, कोई से भी फ़ोन में आप उसको यूज़ कर सकते हो और आपके फ़ोन के सारे फीचर्स अलग हो जाएंगे और आपके फ़ोन का आइकन साइज आप मतलब छोटा करना चाहो तो छोटा भी कर सकते हो, बड़ा करना चाहो तो बड़ा भी कर सकते हो। सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा कि आप लॉन्चर कैसे डाउनलोड होगा, कैसे यूज़ होगा, सारी कुछ सेटिंग बताऊंगा। तो वीडियो तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो को लाइक कर दो और चाहे वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर देना। सबसे पहले मैं अपना जो फ़ोन है उसका मॉडल बता दूँ। तो मेरा जो फ़ोन है वो है Redmi Note 4, ठीक है। आपका कोई भी हो, सब में ही सपोर्ट करेगा। सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पर, उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च वाले आइकन पर करना है क्लिक। यहाँ पर आपको बहुत से लॉन्चर मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको करूँगा रिकमेंड पोको लॉन्चर, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने आ गया पोको लॉन्चर 2, ये आपको कर लेना है क्लिक, ठीक है। अब आपको ये 17 MB का है, आप इसके जो भी रिव्यूज़ भी देख सकते हो, रेट भी देख सकते हो, और ये 10 मिलियन डाउनलोड भी है, ये भी देख सकते हो। स्क्रीनशॉट मैं आपको उसका दिखा दूँ, ये इसकी स्क्रीनशॉट है, कुछ ऐसा आपका फ़ोन हो जाएगा। आइकन वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो आप इसे। और यहाँ पर आपको कैटेगरी मिल जाएगी, सारा कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पर, फास्ट आपको बहुत चलेगा, ठीक है। आप क्लीनर भी इसका मिल जाता है। सबसे पहले मैं इसे इंस्टॉल करूँगा, यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेते हैं ये इसका डाउनलोड होने में। ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ इंस्टॉल हो चुका है, इसकी इंस्टॉलिंग हो रही है, थोड़ा वेट कर लेंगे यहाँ पर। मैं इसे ओपन करूँगा सिंपली, ठीक है। आप भी इसे ओपन कर लीजिए, ओपन करने में कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, करंट और रिकमेंड। तो आपको जो वो रिकमेंड है उस पर कर देना क्लिक, और इसके जो भी एग्रीमेंट है उसको मतलब चेक कर लेना है, अप्लाई कर देना है। अलाउ कर देंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा फ़ोन अभी सेट हो रहा है, मतलब कि जो लॉन्चर है उसमें मेरा फ़ोन सेट हो रहा है। ओके, मैं यहाँ पर कर दूँगा, यहाँ पर मैं पोको लॉन्चर को चूज़ कर लूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा ये पोको लॉन्चर में हो गया है कन्वर्ट, ठीक है। इसकी सारी परमिशन अलाउ कर देंगे हम, ये आप देख सकते हो मेरा ये पोको लॉन्चर में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर इसकी जो भी मेरे ऐप थे उनकी अलग अलग वो आ गई कैटेगरी, ठीक है। जैसे ये आगे नॉलेज और एंड एजुकेशन वाले, फाइनेंस एंड बिजनेस वाले, न्यूज़ एंड रीडिंग वाले, फोटोग्राफी वाले, टूल्स वाले, कम्युनिकेशन वाले, शॉपिंग वाले, एंटरटेनमेंट वाले, सारे कुछ आ गए। अब यहाँ से आपको एक सेटिंग मिल जाएगी राइट में ऊपर कॉर्नर पर, यहाँ पर आपको यहाँ पर सेट पोको एज योर डिफॉल्ट लॉन्चर, यहाँ पर ये मिल जाएगा। लेकिन आप हम इसे पोको लॉन्चर पर सेट कीजिए, आपको नीचे बैकग्राउंड की यहाँ पर सेटिंग मिल जाती है। मैं आपको बता दूँ सेटिंग कहाँ से आना है। पहले मैं यहाँ बैक करूँगा, यहाँ पर आपको आप यहाँ पर एक तो ये मिल जाएगा, यहाँ पर आपको बहुत सारी सेटिंग मिल जाएगी। सेटिंग करने के लिए अभी आप देख सकते हो मैंने अपना जो आइकन साइज है वो छोटा कर रखा है। वो मैंने कैसे करा वो मैं आपको वीडियो को लास्ट में बताऊँगा। सबसे पहले आपको 3 लाइन पर जाना है, यहाँ पर कॉर्नर पर आपको यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा, बैकग्राउंड क्लिक कीजिए, यहाँ पर डार्क और लाइट आपको मिल जाएगा। तो हम आप अपने हिसाब से डार्क और लाइट इसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डार्क करके इसे डार्क आप यहाँ पर कर सकते हैं एडजस्ट, हल्का डार्क या फिर गाढ़ा डार्क, ठीक है। मैं 25% करके अप्लाई कर दूँगा, तो ये हमारा अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कितना हमारे बढ़िया लग रहा है, अप्लाई हो गया, ठीक है। अब मैं फिर सेटिंग में आ जाऊँगा, यहाँ पर आपको आइकन पैक आप यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ से आइकन पैक भी मतलब चुन सकते हो, कस्टमर लेआउट यहाँ पर मिल जाएगा, आप देख सकते हो। यहाँ पर आप इसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, ठीक है। यहीं से मैंने आप अपना वेबसाइट छोटा और बड़ा किया था, इंक्रीज और डिक्रीज किया था, यहाँ से आप कर सकते हो। जस्ट मैं मीडियम पे क्लिक करूँगा तो ये सारे मेरा आइकन साइज मीडियम पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो सारा मीडियम पे आ गया, ठीक है। यहाँ से बड़ा भी कर सकते हो आप, लेकिन मेरा भी छोटा है तो मैं छोटा ही रहने देता हूँ। आप देख सकते हो कि मेरा एक्सेस पे आएगा। यहाँ से आप इसकी मतलब ऐप 3 लाइन में आएंगे, 4 लाइन में आएंगे या 5 लाइन में आएंगे, यहाँ से आप इसे चुन सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर 5 लाइन में करके आपको बता देता हूँ,
तो मेरे सारे ऐप ये 5 लाइन में आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप अपने फ़ोन में भी इसे एडजस्ट कर सकते हो। फिर सेटिंग में जाऊंगा, फिर आपको ज़्यादा खास सेटिंग मिलती नहीं, मैनेज ऐप कैटेगरी मिल जाती है, यहाँ मैनेज कर सकते हो। अब बात आती है इसे पहले जैसे कैसे करें। पहले ऐसे करने के लिए आपको यहाँ पर सेट पोको ऐसे और डिफॉल्ट लॉन्चर पर क्लिक कर लेना है, और आपको यहाँ पर सिस्टम लॉन्चर चूज़ कर लेना है, आपका फ़ोन पहले ऐसे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक फ्री होता है, और चैनल को हो सके सब्सक्राइब कर दे रहा है यार। चलो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।